ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। जिनके नैनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हों, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर कानी दिखे, कहीं किसी को पास कानी दिखे, रहते हैं उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के लिए तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है, उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि। ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करो। मारो, घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आँखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र, अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सरी, कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा नहीं? तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है, जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा हो ना, तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए, रिसेप्शन में काय को बेचारा, जो जजमान है बेचारा, जो तुम्हारा बीआईजी है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के जमाने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी, जो कैटरिंग में देते हैं ना 500-300 की, अब 300 का नुकसान, तो प्लेट एक उठा और पति जी में, अन्य तू सिर्फ पल्लू लेके टच करके रहे, ने वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, ने जलेबी खाए तो सीधे, ने वो गोलगप्पा वो खाए ना तुम्हारे मुंह में जाए तो ऐसा हो। अरे बोलो तो सरी, दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? हैं, जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको ला जरा डिस्पिरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा होगा, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से, जितने आस्था पर कथा सुन रहे, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों।